मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार का ध्यान भी, सरकार के उड्डयन मंत्री का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब दिल्ली से जहाज उड़कर या देश के किसी कोने जहाज उड़कर के बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर पर उतरता है तो वहाँ जो जो अनाउंसमेंट होता है वो ये बोलने की बजाय कि आपका बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत है, वहाँ पर जो अनाउंसमेंट होता है उसको चेक करें नागरिक उड्डयन मंत्री, वो अनाउंसमेंट होता है आपका नागपुर हवाई अड्डे पर स्वागत है। इसका मतलब अगर दिल्ली जब हम आते हैं तो दिल्ली में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जाति विशेष यानी बहुजन समाज के लोगों को पीड़ा पहुंचाती हैं। बहुजन समाज का इस राष्ट्र के निर्माण में अद्वितीय योगदान है, इन लोगों ने इस राष्ट्र को ये यहाँ तक अपनी खून पसीने की मेहनत से खींचकर लाए हैं। इनकी भावनाओं का आदर करना जो लोग आज देश की सरकार को चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी में आता है। और मेरा निवेदन है भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री इस समय पर काम कर रहे हैं सुरेश प्रभु साहब की इस विषय पर ध्यान दें कि जब जहाज नागपुर के एयरपोर्ट पर उतरे तो कम से कम अनाउंसमेंट जो दूसरे, अगर हम इंदौर में उतरते हैं तो वहाँ पर अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर आपका स्वागत बोला जाता है, अगर हम बम्बई में उतरते हैं तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर आपका स्वागत बोला जाता है। तो उसी तर्ज पर माननीय उड्डयन मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो देखें और जब भी जहाज नागपुर उतरे तो उसमें अनाउंसमेंट जो हो वो होना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है।